रस्सी उठा के ला रही हूँ। रस्सी ये बोरा है, ये आया सामान, लीजिए आपका सामान आ गया। पता नहीं इसका क्या कबाड़ा कर दिया होगा, बहुत भारी है यार। सबसे पहले जी गुड मॉर्निंग हो गया, हम लोग उठ गए, नाश्ता वगैरह किया। नाश्ता करने के बाद हमारे घर आ गया बोरा, वो भी भरा हुआ सामान से। अभी जो है मैं इसको खोल चुकी हूँ, बड़ी वो उतावली हो रही थी, फटाफट खोलने की लगी हुई थी, मैंने पहले खोल लेती हूँ, देखते हैं अंदर क्या क्या है और आप लोगों को भी दिखाते हैं। सबसे पहले तो माशाल्लाह किन्नू भी आ गए, और यहाँ पे मैंने मंगवाया थोड़ा सा गरम मसाला जिसकी खुशबू बहुत अच्छी है, कुछ टाइम बाद ना फिर और मंगवाऊंगी। हमें बर्तन लाना पड़ेगा, आटा गिर गया। माशाल्लाह लीजिए आप लोग भी खाएं हलवा, मजेदार वाला, बादामों वाला, सोन हलवा, सोन हलवा। रेवी में नहीं डालना चाहिए था काफी को, चावलों का आटा। हाँ मगर फट गया ना, कोई बात नहीं, थैली फट गई, वो किन्नू वगैरह सब जोर पड़ा है ना चीजों का। बाकी इसमें सारा साग है, हाँ स्पेशली मंगवाया है हमने, साग मंगवाया है जो किरण ने पूरा पूरा साग नहीं खाया, पूरी सर्दियाँ नहीं खाया, और पूरे उसमें मतलब पूरे महीनों में हमने एक दफा भी बाजार से लेके भी नहीं खाया। लो जी सबके हाथों का है, माशाल्लाह सारा पका कर फ्रीज कर दूंगी, महीना खाऊंगी आराम से। यहाँ पे है गुड़ भी आया है, ये मैंने थोड़ा सा मंगाया है। हरी मूंगफली कितना मिस कर रही थी ना इस मूंगफली को, ये बहुत टेस्टी है। तो यहाँ पे सारी चीजें आ गई, और इन सब चीजों के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात ये कि मेरे घर में माशाल्लाह पूरी फैमिली है, ऐसी बात नहीं है कि फैमिली नहीं, पूरी फैमिली है, बोलते ही नहीं है कैमरे के आगे मैं क्या करूं, सारे काम हो जाते, ऐसा लगता पता नहीं किरण ने कुछ कर दिया है, नहीं कोई नहीं बोलता। किन्नू भी मीठे मीठे बोलो, क्या मतलब है ना बोले उसका पता ही नहीं है भाई। नहीं मेरे सारे भाई अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी बेटी हो रही वो आ रही है घास खाने, मेरी बेटी ये रही, ये बेटी घास खाने आ रही, बाहर बेटियां हैं, बाहर भी है, अरे क्या फंस रहा है। माशाल्लाह मेरे बच्चे हैं तकरीबन 6-7 बच्चे हैं मेरे, सारे जो ना कोई ऊपर है कोई नीचे है कोई इधर है कोई बाहर है, कूड़े के ऊपर बैठा हुआ है। दुनिया के सारे बच्चे मेरे बच्चे हैं। यहाँ हमने किन्नू छील लिए, माशाल्लाह अच्छे मीठे मीठे लग रहे हैं, आप लोग भी खाएं, बिस्मिल्लाह करें। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे, हम लोग भी ठीक है, आप लोग भी दुआ से दीजिए। आज का ब्लॉग हम लोगों ने स्टार्ट ले लिया, फिलहाल हम अच्छे बने तैयार हो गया, हमारा जरूर बताएगा हम कैसे लग रहे हैं। घर के काम अभी खत्म नहीं हुए, घर के काम भी वैसे ही पड़े हुए हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हैं, और साथ साथ साग भी हम काट रहे हैं। थका दिया इस साग ने, सुबह से शाम हो गई, सुबह से शाम हो गई, लोगों ने खा रज बर्बाद हो चुके हैं, ठीक है हमारे यहाँ अभी साग आया है और अब हम खाएंगे साग, हमारे यहाँ अब बनेगा, सर्दियाँ खत्म, ठीक है ठंड जा चुकी है, साग आ चुका है हमारे घर में, हम बनाने जा रहे हैं साग मजेदार वाला। अभी पैकेट बना के एक साइड पे कर दूंगी ना, मुझे मालूम है यहाँ रखे ना मैंने तो एक मिनट लगेंगे, गैप सब गैप, कुछ नजर नहीं आएंगे। इतना नहीं खाते मीठा, कम खाते, कम खाया जाता है। हाँ मैं अगली बार इतना मीठा नहीं खाती है, हमारी आंटी कम खाती है, तो इतना काफी है उनकी हेल्थ के लिए। सही, ये हमने पैक कर दिया माशाल्लाह, ठीक है जी। गरम है गरम, अब मैं गरम में प्याज डालूंगी और वो क्या होगा, डाल दो यार भूख लगी है डाल दो, जो कुछ है डाल। यहाँ पे टमाटर और हरी मिर्ची सब मिक्स कर दिया, और यहाँ पे हमारे पास प्याज ये भी डाल देते हैं, बाकी मसाले सब डाले। चना चाट हमारी बन गई माशाल्लाह कंप्लीट, जबरदस्त वाली, इस पे डालेंगे चना चाट। क्या करें यार क्या खाएं, कितनी यम्मी लग रही है दिखने में माशाल्लाह, खाने में भी अच्छी होगी। चना चाट भी खाएंगे, कुछ और भी बना लेंगे, खाएं जो हम लाए थे, रखिए चख लेते हैं पहले, बाद में जो ना फैसला करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, खटी है। आपको दही देती हूँ ना अलग से, दही डाल देना, मजे की। मम्मा बड़ी पापड़ी दी है तो मैं, अच्छा हाँ सही है, ज्यादा डालो, हाँ ज्यादा डालो, ले जी आप लोग भी खाएं बिस्मिल्लाह करें, मजे की है, बहुत स्पाइसी तो है मगर है बहुत टेस्टी, मजेदार है, यम्मी है, हाँ खाते हैं बिस्मिल्लाह। कितनी
दही के साथ अच्छी लग रही होगी। मजेदार लग रही है, मीठी दही के साथ। हमारे कहा मैं दोनों दही नहीं डालूंगी, ठीक है, दही मैंने खानी है, हमें वही प्लेट खाएगी। मैं अभी थोड़ी देर में हुमा की शक्ल दिखाऊंगी कैसे लाल होती है, देख लेना भले। देख लेना हुमा, मैं किस एंगल से लूँ तुम्हें? अपना जरा साफा तो उत्ते करो, साफा ऊपर हो गया जी। मुंह में कहाँ आ रहे हो? मुंह में इसलिए आ रही, मैं तुम्हारी ना आंखें चेक करना चाह रही हूँ। देखना बिल्कुल नॉर्मल, पसीने चेक करो, ये गर्मी हो रही है। गर्मी नहीं हो रही, गर्मी नहीं हो रही, हुमा मान नहीं रही, वो अलग बात है। जबरदस्ती कर रही हो। मैं नहीं जबरदस्ती कर रही, मैं सच पूछ रही हूँ। देखो पूरी प्लेट खाली नहीं पी लो। ये क्या था मेरे हाथ में? अच्छा बल्ब और वायर, बल्ब देने, वायर देनी है, दूसरी वायर है वाइट वाली। कुछ रह ना जाए मुझे याद आ रहा है, और कोई काम नहीं है। यहाँ मोटी मोटी वाली ना ले लेती हूँ, अगर तुमने बंद भी हो जाएगी ना तो रात में इसको लकड़ी पे लगा दूंगी। हाँ सही है, ठीक है, अल्लाह से। खराब ना हो, कह रहे मेरी चीज एक नंबर है, नहीं हो तो मैं खोला हुआ आपको ला के दे दूँ। लॉक बहुत जरूरी था लेना हमें, काफी टाइम से मेरा एक लॉक खराब हो गया ना, दरवाजे का लॉक टूट गया, वो ही लेना, घर जाके खुद ही लगा लेंगे। अभी हम लोग आए हुए हैं मार्केट, और यहाँ पे सबसे पहले जो काम था चांदी, हाँ ये सारे सामान ले लिया हमने, बहुत सारा। और फिलहाल यहाँ पे कुछ चीजें पॉलिश करवानी थी तो वो दी, चांदी की चेन टूट गई, उसको जो लॉक लगाना पड़ता है। मेरा ऑपरेशन कर रही है बैठ के। हाँ इसको ना प्लास्टर दबा दे। मैंने नाक की बाली चेंज कराई है, अच्छी लग रही है। हाँ प्यारी लग रही है। हेलो तित्तो कैसी हो? देखो देख लो, ओह गोले की स्पीड चेक करो। माशा की मम्मी पे क्या पाल आ जाता है मेरी बेटी को। अस्सलाम वालेकुम। वाह वाह वाह, क्या साग की खुशबू आ रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह करते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह करते हैं, और फिर इसको ऐसे भी देखते हैं। मोए 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 मोए, ओए हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों, मम्मी आ चुकी है पागल बन के। नीले पीले बच्चों, अरे वाह क्या छोड़ के गए थे, क्या घर मिल रहा है। थैंक यू मम्मा। हमारी मम्मा की कमाल है जी, हमारी मम्मा ठीक हो गई है, मैं कल फिर सदका लेकर आती हूँ इंशाल्लाह। फिर से जाना पड़ेगा, लकड़ियाँ ले आते हैं क्योंकि सिलेंडर पे नहीं रख सकते ना। वो तो उससे है कम, वही ना, और साग को बनेगी पूरी रात लगेगी। ये मेरी बांध रही है, मैं तो बाहर ढूंढ रही थी, मुझे लगा वो है। बोलो हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सब लोग? मैं ठीक हूँ। बोलो आप लोग मेरी तबीयत ही नहीं पूछते, आप लोग मेरे बारे में पूछते ही नहीं हो, पूछो तो सही। मैं बहुत क्यूट सी हूँ, मम्मी को बस देखती रहती हूँ, मम्मी से पाल करती हूँ, और वहाँ यहाँ छुप के मुझे ही देख रही थी, और मैं उठ के भागी बाहर। भालू बनती जा रही है, मेरा निक्का जा भालू है, भालू भालू, ये मेरा सोना भालू है। हाँ जी क्या हुआ? हाँ रोना आ रहा है, सीधा खाने पे। तो जी यहाँ पे हम सो के उठ गए, नींद हमारी पूरी हो गई, हम आए लकड़ियाँ ढूंढ के, लकड़ियाँ जो हमें मिली नहीं, थोड़ी बहुत मिली, और वो लाके हमने बाहर पटक दी। साग के चूल्हे हमारे बंद हो चुके हैं, और हमारी अम्मी भी सो गई, हम भी सो गए, और जैसे उठे देखा तो वहाँ पूरा घर भी फैला हुआ है, और मतलब क्या ही बताएं, सारा कुछ जो ना तहस नहस हुआ है। तो हमें लग गई भूख, भूख लगी तो हमने बोला क्या बनाए, तो हमने सोचा चलो चीज़ बनाते हैं। मुझे तो कुछ पता भी नहीं है इसके बारे में, आलू को तो हमने इसमें डाल दिया, सही है, बड़ा जोर लगा के आलू यहाँ होना चाहिए, सही है। अब मेरी हेल्प कौन करेगा? ये किस लिए? वो नीचे चिपक जाए। चिपक गया? नहीं चिपका, चिपक जाओ भाई, चिपक एक चिपक। दो बार घुमाओ वो, यो हाँ चिपक गया, सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये फजूल होती हैं यार, ये फजूल होती हैं, हमसे नहीं होने वाला। मैं चाहे जितनी भी जान लगा लूँ ना, आलू का काफ़ी हमने सत्यानाश कर दिया, बनाना मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा, फिर भी मैं आखिरी ट्राई जो है कोशिश कर रही हूँ। जो मैंने देखा, ये देखो इसी स्प्रिंग को भी खोलना है, पता नहीं उठाना है, जो भी करना है। किरण ने पूरे आधा एक घंटा खा गई, किरण को बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा, ठीक है।
और आधा घंटा खाने के बाद जो है इसका करेंगे हम सीधा तीछा पाछा, हम कर चुके हैं अपने हिसाब से। नजर नहीं लगाओ, नजर नहीं लगाओ, क्या क्या हो गया, मुंह भी नहीं हो रहा, क्या करूं, हटा दो, छोड़ो, रुको, तो सही करूंगी, तो सही करके तो दिखाऊंगी, रुक जा। असल टास्क है, ओ ओ ओ, बस ये इतना ही, इसको खोलना। अब इसको हम खोलेंगे, मम्मा सही कह रही है, खोल लेते हैं पहले, हार नहीं माननी, ये बना ली है। अब इस पे जो ना लिक्विड लगेगा ना, और इसमें हम जो भी लिक्विड लगाते हैं, और इसको जो है हम पहले तो रख देते हैं, सेकंड सही बनेगा, क्योंकि एक पे प्रैक्टिस हो गई ना। माशाल्लाह, चेक करो यार, हम खुशी देखो मेरी, सही बन गया, परफेक्ट, ये देखो। स्टिक छोटी करनी पड़ेगी, वो मैं कर लूंगी, कोई मसला नहीं हो जाएगी, लगी रहो, जा ही रहो, थोड़ा बहुत खराब होगा, वैसे बात है, होता है यार, सही है, थोड़ा बहुत तो चलता है। माशाल्लाह, मैंने दो पीस तो बना दिए, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अभी हम इसको फ्राई करते हैं, और इसका मैं लिक्विड भी बनाती हूँ, वो भी दिखाती हूँ। और कभी भी ना इंसान को हार नहीं माननी चाहिए, मैंने वाकई में दो तीन दफ़ा दिल में सोचा नहीं नहीं छोड़ो, नहीं बनाते, पर मैंने कहा मैं भी हार नहीं मानती। मसाले वगैरह लगाते हैं, लगा के इसको फ्राई करते हैं, वो भी मैं दिखाती हूँ, पहले मैं इन दो को बना लूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। चूल्हा हमने ऑन कर लिया माशाल्लाह, किचन में बैठ के बनाने के लिए, यहाँ तो हम कामयाब हो गए माशाल्लाह। अब हमें आ गया बनाना, अब नेक्स्ट टाइम तो मैं फटाफट बना लूँगी। कॉर्नफ्लोर है, और इसमें सारे ही घर के मसाले डाल दिए, नमक से लेके मिर्ची जो भी है, तीखा जितना भी बनाना है आपने। घूम जा, अब घूमने में भी नखरे करेगा। फर्स्ट टाइम बना रही है किरण, हाँ नहीं तो, चलो हमारी मशीन काम में आ गई। मैं तो ये हाँ मैं यही सोच रही थी, हमेशा ये पड़ी ही रहेगी, जब से लिए ये रखी हुई है, हमने कभी यूज़ नहीं की। अब इसको फ्राई करते हैं, प्लेट में निकालते हैं, फिर खाएंगे, नोश फरमाएंगे। फ्रिज बंद पड़ी हुई है। हाँ फ्रिज तो बंद पड़ी, केचप भी नहीं है, केचप के बगैर मज़ा ही नहीं देंगे। हाँ लो भाई, हम आ गए वैसे ही, ठीक है, माशाल्लाह, दो ही बनी, ऊपर मैंने चाट मसाला डाल दिया, केचप है नहीं, हमने बना लिया, फ्राई भी कर लिया, अब हम खाएंगे। जी आप लोग भी खाएं, बिस्मिल्लाह करें, मजेदार, बस केचप टेस्टी, बाकी बहुत टेस्टी, किरण की कामयाबी। मुझे खुशी हो रही है, मैंने बनाया, मुझे खुशी हो रही है सच्ची में, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिना केचप के मजे के। तुम भी खाओ, बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार बना हुआ है। अभी हम खाएंगे, गैस घर में नहीं आई, गैस का वेट कर रही हूँ, गैस आ जाए तो फिर चूल्हे ऑन करते हैं, फिर साग को दोबारा से कंटिन्यू करते हैं, उसको भी पकाते जब खराब हो जाएगी, फिर तो पक जाएगा, फिर सारा दिन गैस रहेगी, पता चला खराब हो गया तो। मिलते हैं जी फ्रेश ब्लॉग में, और तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है? अगर हमारा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बहुत ज़्यादा प्यार सपोर्ट और दुलार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आप लोगों की सबकी परेशानियाँ दूर करें, हमारे लिए भी दुआ करिएगा, अल्लाह हमारे घर के भी हर दुख दर्द को दूर करे, परेशानियाँ दूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं फ्रेश वीडियो में, और खुद भी फ्रेश होके, आज मैं बिल्कुल फ्रेश नहीं हूँ, आज मैं बहुत थक गई हूँ, आज मैं घन चक्कर बन गई थी, वो सामान आया हाँ, उस वजह से, सामान की वजह से, खुशी तो थी सामान की कि सामान आया, साग आया हमारे घर में, हम साग खाएंगे, बाकी साग बनेगा इंशाल्लाह, खाएंगे जरूर खाएंगे, अगर अच्छा बन गया तो, रोटी के साथ मजा आएगा। हाँ यार तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं भी चावलों की रोटी डाल लेती। एक किस चीज के साथ खाते हैं? ये आलू के साथ। आलू नहीं, मैं बताती शक्कर का वो बनाती, मैं शीरा बनाती, तो मजे की चावलों की रोटी आई है, साग बनाने, साग के साथ खाने के लिए। ये मुझे बताती नहीं है, ये इसी तरह खामोश रहती है, बाद में बताती है, और बाद में मुझे जब दुख होता है ना, वो मुझे मालूम है। तो बहरहाल सारे काम इंशाल्लाह फिनिश करेंगे, फिर फ्रेश वीडियो में मिलते, तब तक ले जा सकते, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, बाय बाय।